मैं योगी आदित्यनाथ को चाहती हूँ। तीन एक बताइए। हम भी उन्हीं को चाहते, योगी नंद जी को। आप चाहती हैं बालों के संभालते हुए नाम बताइए। रानी सिंह। बीजेपी की सरकार में हुआ कि कम से कम गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, ये अच्छा हुआ। जैसे चल रहा है ऐसे जोगी जी आएगी। बदली है बहुत चीज़ों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं, बहुत चीज़ें आगे हमारी हुई हैं, जो चीज़ें पीछे रही हैं अभी आगे वो लोग और डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे घाट वगैरह हो गया, उसको भी उन्होंने बहुत डेवलप किया है, पहले ये चीज़ें ऐसे नहीं रहती थी। नाम क्या है? श्रेया जायसवाल। ब्यूटीफुल नेम श्रेया। आर यू फ्रॉम यूपी? यस, वाराणसी इटसेल्फ। यो बेबी, टेल मी वन थिंग, आप यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगी नाथ जी। कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, कैसा काम कर रहे हैं वो? काम तो ठीक ही चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम, लाइक यू कैन से कि यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, रोड्स ही बन रहे हैं। अभी मैं तो लहतारा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर के साइड वर्क चल रहे हैं एंड साफ सफाई, क्लीनिनेस है यहाँ पे, सारी सिस्टम्स है, सारी वर्क सही। जी बताइए, किसकी सरकार बना रही है इस बार, योगी जी की या किसी और की? योगी जी किसी और की, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल में योगी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, तो आई कैन से कि यहाँ योगी जी ही, हाँ, यहाँ बिलोंग कर। बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया मुझे। आपके फ्रेंड्स अभी पकड़ेंगे यहाँ पे। क्या नाम आपका, क्या नाम है? हेतल। आर यू फ्रॉम गुजरात? यस। दिस नेम मेनली फ्रॉम गुजरात ओनली, मतलब मोदी जी के शहर के हैं आप? यस। वन थिंग, यहाँ उत्तर प्रदेश में कब से आई हैं, घूमने आई हैं, यहाँ रहती हैं आप? नहीं, मेरा नेटिव प्लेस यही है, वाराणसी। यस। तो मतलब वोटर आईडी कार्ड आपका यहीं का होगा। तो यहाँ पे अभी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसा काम कर रही है, उन्हीं की रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? नहीं, उन्हीं की ही रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं मोदी जी की साइड हूँ, तो फिर योगी जी की ही सरकार रहनी चाहिए। पड़ोसी वाली बात हो जाएगी। यस। अच्छा, टेल मी वन थिंग, यहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी को लेके लॉ एंड ऑर्डर कितनी बदली है जब से बीजेपी योगी सरकार आई? मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है सारी चीज़ें, और बेटर हो रही है। जैसे विश्वनाथ टेम्पल, घाट्स हमारे, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर सारी चीज़ें में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेतल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, हमारी लड़कियाँ ज़रूर बताएंगी। क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। ये अर्चना सिंह, अर्चना किसकी सरकार बना रही हैं? ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी, योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इस बार आप फिर से योगी सरकार बनाएंगे? यस मैम। चलिए, आपका नाम क्या है? रुमाना। रुमाना किसको चाहती है कि कौन इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा आए, योगी आदित्यनाथ या कोई और? योगी आदित्यनाथ नहीं, अब नहीं। कोई और, उनके बदले कोई और होगा तो सही करेगा। इस बार उन्होंने ठीक ही किया है, बट इस बार वो नहीं। रुमाना चाहती हैं कि अखिलेश भैया आए, और आप चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ आइए। चलिए, एक और, एक दो हो गया मेजोरिटी। ज्योति नाम है। ज्योति क्या चाहती है? ज्योति आदित्य योगी नाथ। योगी आदित्यनाथ को चाहती है ज्योति। चलिए, अभी दो वोट ऊपर हो गया, दो एक चल रहा है, आप बताइए। मेरा नाम शशि है। शशि, आप बताइए। मैं योगी आदित्यनाथ को चाहती हूँ। तीन एक आप बताइए। हम भी उन्हीं को चाहते हैं, योगी नंद जी को। आप चाहती हैं बालों के संभालते हुए नाम बताइए। रानी सिंह। रानी सिंह, लिपस्टिक बहुत प्यारा है, कौन सा शेड है ये? दो कलर में लगाए। ये इसको खाने के बाद भी नहीं निकलते? नहीं, वो प्लास्टिक वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप योगी आदित्यनाथ लड़कियों के मेजोरिटी में जीत जाते हैं। चलिए, गिव अ हाई फाइव, वेरी गुड, चीयर्स। चलिए और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद दीक्षित। दीक्षित जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी को आनी चाहिए। अखिलेश जी को क्यों आना चाहिए? बिकॉज उनके टाइम में बाकी लोगों को जॉब मिला था, जॉब का सुविधा थी, इस बार जॉब बाकी गए, और जिस मतलब अगर मैं कहूँ भाजपा जाए तो इस कारण कि मेरे घर के आसपास काफ़ी गलत कामें जो हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए इस सरकार में और सांसद जी के देश में। लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, इस तरीके की जो चीज़ें पहले हो रही थी, जो पहले के सरकार में हुई थी, और जो आज लॉ एंड ऑर्डर है, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर किस सरकार में? तो बीजेपी की सरकार में हुआ कि कम से कम गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, ये अच्छा हुआ है। इसे हम मानते हैं कि जो लोग कभी भी दबदबा अपना दिखाते, दबाव दिखाते हुए रोड पे चलते थे, और जब देखे तब कारवार से निकले तो दबाव अपना रहता था, सायरन, बिकॉज जो लोग सायरन यूज़ करते इससे हमें नफरत है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसे देते कि इससे आम आदमी को ज़्यादा दिक्कत होती है, कि कुछ लोग होते हैं अब कहीं भी हो तो भाई पुलिस करे उस बात को तो अलग है, लेकिन आम लोग भी सायरन को और डीप वो करके हुए चलते तो बहुत बेकार लगता है। बंद हो गई है? वो तो बंद हुई है, नॉर्मली बहुत बंद हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, एंजॉय आरती।
चलिए और लोगों से मैं यहाँ पे बात करूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों से पूछूंगी कैसे क्या बेच रही है दीदी। भेलपुरी, सेवपुरी, झालमुरी। बंगाल की है क्या? हाँ बंगाल। हाँ, बंगाल के कहाँ? कोलकाता शांतिपुर नदिया डिस्ट्रिक्ट। ममता दीदी कैसा काम करती है? बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ? यहाँ पे योगी आदित्य बढ़िया काम कर रहे हैं, वहाँ पे ममता काम बढ़िया कर रहे हैं। इस बार फिर से योगी जी यहाँ पे आने चाहिए या कोई और आने चाहिए? जैसे चल रहे ऐसे योगी जी आएगी, योगी जी आएगी। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी क्यों आएंगे यहाँ पे? यहाँ योगी जी बहुत आदमी को बहुत सहाय सुजुक कर रहे हैं, बहुत रास्ता घाट बहुत साफ सफाई बहुत काम किया है, इसीलिए उनके पसंद। यहीं पे रहती हैं क्या? हम अभी यहीं पे रहते हैं। कितने साल से रह रही हैं आप? 10 साल। 10 साल। चलिए एक पहली बार हमने देखा है कि दीदी समर्थक योगी समर्थक भी है, ये चीज़ें थोड़ा मुझे आश्चर्यचकित करने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। क्या नाम बताया था आपने? नाम बता दीजिए। मेरा नाम काकुली देवनाथ। काकुली, बहुत प्यारा नाम है। आपका क्या नाम है दीदी? वंदना। वंदना कहाँ? बंगाल से। केमन आशी? हेलो। हेलो, कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल से कैसे काम कर रही है यहाँ पे 4 साल से योगी सरकार? ऐसे चल रहा है, 200-300 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कहाँ मिलेगा तो करें। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड कहाँ का आपका? हमारा वोटर आईडी है दिल्ली का। दिल्ली का? आप बंगाल के? 10 साल से यहाँ? हम लोग दिल्ली में भी था पहले, वहाँ तब बनाए थे। दिल्ली से आप यहाँ क्यों आ गए? यहाँ आए हैं, हमारा कोई रिश्तेदार था तो घूमने आया था, अच्छा लगा तो हम यहाँ रह गए। दिल्ली में कमाई कितना हो रहा था? दिल्ली में ऐसे लोगों का घर में काम करते थे, बर्तन धोते थे बस। दिल्ली में रोजगार उतना अच्छा नहीं मिला? नहीं, वहाँ हमको अच्छा नहीं मिला। यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ अच्छा लग रहा है। दिल्ली ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बनारस? हमको बनारस ही अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, इन्होंने अपनी खुल के दिल की बात रखी है। चलिए यहाँ पे और एक बैठी हुई है, उनसे पूछेंगे। आइए। यस। क्या नाम है आपका? शीनू शर्मा। शर्मा जी किसकी सरकार बना रही है इस बार उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की या किसी और की? अभी ये तो नहीं बता सकते, अब जैसा जो सरकार जो अच्छा काम करे वही बने, हम तो यही। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि आप कैमरा देखकर भागी नहीं। यहाँ पे मैंने देखा है 80% लड़कियाँ कैमरा देखकर भाग जाती हैं। अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है आप? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। वन थिंग, यहाँ पे योगी सरकार बीजेपी सरकार 4.5 साल हो चुके हैं उनको, कैसा काम कर रही है अगर हम कंपेयर करें पहले की सरकारों से? अच्छा ही है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं कुछ बुरा भी कर रहे हैं, तो आगे यही रहेगा कि जो भी सरकार आए अच्छा ही करे हमारे लिए सबके लिए। एक बार यही सरकार रिपीट होनी चाहिए या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? आई थिंक परिवर्तन होना चाहिए। अखिलेश भैया को लाना चाहिए, एक बार उनको भी देख ही लेते हैं क्या करते हैं वो। चलिए आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी। योगी सरकार आनी चाहिए। क्यों योगी सरकार आनी चाहिए? अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, वर्क अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सिक्योरिटी कितनी बदली है पहले से? बदली है, बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं, बहुत चीज़ें आगे हमारी हुई हैं जो चीज़ें पीछे रही हैं। अभी आगे वो लोग और डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे घाट वगैरह हो गया उसको भी उन्होंने बहुत डेवलप किया है, पहले ये चीज़ें ऐसे नहीं रहती थी, अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया है तो बहुत ज़्यादा अभी है डिफरेंस। मतलब योगी सरकार ने डेवलपमेंट की है तो एक बार उनको आना चाहिए? आना चाहिए। इनकी मत है कि एक बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इनका मानना है कि डेवलपमेंट किया है बीजेपी सरकार ने। तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर मैं किसी और तीसरे साइड आपको लेके जाऊंगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ की जनता की व्यू क्या है, एक बार वो देखते रहिए और यूं ही चैनल के वीडियोज़ को आगे शेयर करते रहिए। बिकॉज नाउ सुमन पांडे नीड्स माई फैमिली के एक बार दिखाए कि आप मेरे साथ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।